हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेयर आई एम बैक विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, जिस टॉपिक के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं वो है कैलिफोर्निया किंग्स स्नेक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, किंग स्नेक में जितने भी मॉर्फ आते हैं वो उनमें से कोई भी मॉर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं बना है। बिगिनर्स के लिए है बॉल पाइथन एंड कॉर्न स्नेक। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे वो है इसकी अवेलेबिलिटी, बिहेवियर, लाइफ स्पैन, साइज, इंक्लोजर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ये कैलिफोर्निया, एरिजोना और न्यू मैक्सिको में पाए जाते हैं। बात करूं मैं इसके बिहेवियर की तो ये एग्रेसिव फीडर्स में से होते हैं। लाइफ स्पैन की बात करूं तो इनका लाइफ स्पैन 10 से लेकर के 15 साल तक का होता है एंड इसका साइज़ 3 से लेकर के 4 फीट तक का होता है। इंक्लोजर की बात करूं तो इसका जो इंक्लोजर है वो कम से कम आपको 3 फीट का देना होगा स्टार्टिंग में जब आप बेबी लाते हो, एंड जैसे जैसे स्नेक का साइज़ बड़ा होगा आपको इंक्लोजर का साइज़ भी बड़ा करते रहना होगा। बात करते हैं हम इसके टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के बारे में। गाइस, तो इसका जो बास्किंग एरिया है वो आपको 80 से लेकर के 90 डिग्री तक रखना होगा टेम्परेचर वहाँ का, एंड इसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा 75 से लेकर के 80 डिग्री तक। बात करूँ मैं इसकी ह्यूमिडिटी के बारे में तो पहले आप ह्यूमिडिटी का मतलब जान लीजिए। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में कितना ज़्यादा पानी है। तो जो एक किंग स्नेक का ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो होता है 45 से 60, ठीक है। आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आप स्मोक मेकर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि स्मोक मेकर का यूज़ कैसे करते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अमेज़न की लिंक दे दूंगा, आप पहले वहाँ से उसे परचेज़ कर सकते हैं। उसमें एक गाइड मिलेगी आपको, उस पढ़ करके आप जान सकते हैं कि कैसे उसका यूज़ करते हैं। स्नेक्स को ह्यूमिडिटी क्यों लगती है पहले मैं आपको ये बता दूँ। ह्यूमिडिटी एक्चुअल में स्नेक जब शेडिंग करता है ना एक तरीके से, तो वो जो उसकी स्किन उतरती है तो वो उसमें हेल्प करती है। एक्चुअल में स्किन उतरती है पुरानी वाली तो उसमें हेल्प करता है, उसको प्रॉपर सही से बिना कटे उसको उतारने में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी हेल्प करती है वहाँ की। अगर ह्यूमिडिटी सही से नहीं होगी या कम होगी तो होता यह है कि जो स्नेक की स्किन होती है वो कट कट के उतरती है, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होगी तो वो प्रॉपर सही से पूरी की पूरी एक साथ उतर जाती है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो मुझे सजेस्ट करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जा करके उसको फिल करके मुझे बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको दो इंस्टाग्राम के पेज स्क्रीन पर और शो कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी एग्जॉटिक पेट लेना हो तो आप वहाँ पर जाकर उनसे इंक्वायरी करके आप परचेज़ कर सकते हैं। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो, टॉपिक सजेस्ट करा करो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, रेप्टाइल्स पर बनाऊँ या बर्ड्स पर बनाऊँ। मुझे ज़्यादातर कोई बंदा टॉपिक सजेस्ट करता नहीं है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो मुझे टॉपिक सजेस्ट करा करो, मैं उस पर ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। ओके, विदा लेता हूँ मैं इस वीडियो से, जल्दी ही दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।